हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी आपकी 1290 से 1320 तक रही, ठीक है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं रही है, ओनली 30 इयर्स तक की ये आपकी खिलजी डायनेस्टी थी। जलालुद्दीन खिलजी ने आपके 1290 से 1296 तक के रूलर रहे। द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी, इसके जो फाउंडर थे खिलजी डायनेस्टी के, वो जलालुद्दीन खिलजी थे। वाज ऑलरेडी वेरी ओल्ड व्हेन ही असेंड द थ्रोन, जब वो सिंहासन पर आए, मतलब थ्रोन्स पर आए थे, शासक बने थे, तो वो पहले से ही बहुत ओल्ड थे। उनका ज़्यादातर टाइम जो है कहाँ बीत चुका था, जो बलवंत है ना उनके, उसका नोबल थे, उसके दरबार में नोबल थे ये, ठीक है। तो इनका जो मोस्टली टाइम था वो इंटरनल रिवेलियन में ही चला गया। इन 1296 ही वाज असिस्टेंटेड बाय हिज नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी हु बिकम द सुल्तान। तो बाद में ये इनका असिस्टेंट था, इनका जो नेफ्यू था वो उसका, इनका असिस्टेंट था, उसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था, जो बाद में सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक वर्क किया। अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट तुर्की सुल्तान टू बिल्ड एन एम्पायर इन इंडिया। एक तुर्की सुल्तान था जिसने इंडिया में अपना एम्पायर बनाया। ही वाज ब्रिलियंट जनरल एंड अ स्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ये एक ब्रिलियंट जनरल था और एडमिनिस्ट्रेटर था। अंडर हिम द दिल्ली सुल्तान विटनेस अ पीरियड ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। ही इज फर्स्ट कंपेनियन वाज अगेंस्ट गुजरात, इसने क्या किया था, जो दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद ये अपना जो एरिया था उसको बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। ही मे हैव बीन अटैच्ड बाई द ट्रेमेडियस वेल्थ एंड द प्रॉस्पर्टी ऑफ इट्स मैरीटाइम्स ट्रेड, इसे क्या करा, व्यापार के लिए जो अपनी, जो इसकी वेल्थ थी, अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए क्या करना शुरू कर दिया, ये जो अटैक करने स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है, जो इसके लगे हुए जो क्षेत्र थे, ठीक है, एरियाज थे, उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। अलाउद्दीन देन वेंट गोन टू सीज मालवा इन द वेस्ट, वो मालवा वेस्ट पे मालवा तक गया, रतनबोर चित्तौड़ एंड जालौर इन राजस्थान, इन एरिया तक ही पहुंच गया। वहाँ पे इसने क्या क्या अटैक किए, फाइट की अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए। इन 1306 में अलाउद्दीन वेड देवगिरी इन द डेकान, ये जो है इसने क्या किया, देवगिरी पर अटैक कर दिया, मतलब आक्रमण कर दिया था, ठीक है, इन्वेडेड मीन्स होता है आक्रमण करना। द कंपेनिंग वाज लीड बाय हिज स्ट्रेटेजिस्ट जनरल, जिसने कंपेन इसने स्टार्ट करी थी, कंपेन मीन्स का अभियान, जो इसने अभियान स्टार्ट करा था, ठीक है, उसने इसका एक ट्रस्टेड जनरल था मलिक कपूर, उसको दे दिया था। देवागिरी वाज ईजली डिफीटेड एंड अनेस्टिक, इसने देवागिरी को ईजली मतलब जीत लिया था। एज द रिजल्ट मलिक कपूर वाज गिवन टू चार्ज ऑफ ऑल द साउथर्न कैंपेनिंग, जो साउथ में जो भी अभियान चला रहे थे, जो जीत मतलब अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए आक्रमण कर रहे थे, अपने एरिया को बढ़ा रहे थे, तो इसका पूरा चार्ज किसको दे दिया गया, मलिक कपूर को दे दिया गया। हिज आर्मी वेंट ऑन द सबड्यू बंगाल एंड हौसला किंगडम, ये जो किंगडम थे इसकी, वहाँ पर भी इसकी आर्मी गई, इन्होंने वहाँ भी फाइट की, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने अर्न कमाया, मतलब काफ़ी कुछ कमाया वहाँ से, मतलब वहाँ का जो धन था, जो संपदा थी, उसको लूट लिया। अलाउद्दीन डिड नॉट ब्रिंग ऑल दिस टेरिटरी अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल, अलाउद्दीन जो था वो इतनी बड़ी टेरिटरी को, इतने बड़े क्षेत्र को अपने अंदर में कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। देयर रूलर एक्सेप्ट हिम एज देयर सुपीरियर एंड पे हज ड्यूट टू हिम, जो उसके रूलर्स थे, जो देयर रूलर्स जो थे, वो जिन्हें वो मतलब उसको लगता था कि हाँ ही रूल कर सकते हैं, उनको उसने क्या किया, डिवाइड कर दिया, और जो और वो उसे क्या करते थे, पेड करते थे, ठीक है, उसके लिए पेड हज ट्राइब्यूट्स टू हिम। अलाउद्दीन खिलजी कैप्ट द नॉबिलिटी अंडर हिज कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ हिज स्पे सिस्टम, जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने कैप कर रखी थी, नॉवेल्टी कैप की थी, किसके थ्रू करी थी, जो उसने स्पी सिस्टम स्टार्ट किया था, अंडर हिज कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ स्पी सिस्टम, जो भी उसने इतना कुछ प्राप्त किया था, मतलब जो भी उसने ऑपरेन किया, अपना एरिया इतना बढ़ा लिया था, वो किसकी, जासूसी सिस्टम के थ्रू बढ़ाया था। ही वॉज अगेंस्ट एक्सेसिव इंडुलजेंस मीन्स होता है अतिभोग, मतलब उसको ये वो ये जो लोग मतलब ड्रिंक वगैरह करते हैं ना, उससे अलग था वो, मतलब उसके विरुद्ध था। एंड वैन वाइन पार्टीज अमंग द नोवल, और जिसके नोवल्स थे वो जो भी अगर वाइन वगैरह की, शराब वगैरह की पार्टी करते थे, तो उस पर भी उसने वैन लगा दिया था। ही हिमसेल्फ स्टॉप द ड्रिंकिंग वाइन, उसने खुद भी ड्रिंक करना, शराब पी, वाइन को ड्रिंक करना छोड़ दिया था। ही डाइड इन 1316, और 1316 में उस क्या हुआ था, उसकी डेथ हो गई थी। ही इज दैट हास्ट द एंड ऑफ खिलजी डायनेस्टी, उसकी डेथ से क्या हुआ था, खिलजी डायनेस्टी का एंड हो गया था, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी में आपके ये टू रूलर्स आए थे, जलालुद्दीन खिलजी और
अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और जो इनका पीरियड था वो 1292 से 1320 तक का था, ठीक है। इसके बाद किसकी वो तगलुक डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी, खिलजी डायनेस्टी एंड पेव द वे फॉर द राइज ऑन तगलुक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी फिर उसके बाद स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट वीडियो में हम केस स्टडी पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी। थैंक यू।